कार्तिक पूर्णिमा को राजनांदगांव शहर में शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित होने वाले मुहारा मेले की तैयारी में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। आगामी 7 से 9 नवंबर तक मुहारा मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजनांदगांव शहर में लगने वाले इस वृहद मेले में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसे देखते हुए मेले की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाती है। इसी के तहत विभिन्न विभागों को मेले की तैयारी के लिए अलग अलग दायित्व दिया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रखेंगे। वहीं वन मंडल अधिकारी बैरिकेटिंग हेतु बांस बल्ली उपलब्ध कराएंगे और निगम आयुक्त मेला स्थल पर पर्याप्त पेयजल एवं समुचित प्रकाश की व्यवस्था देखेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में विद्युत व्यवस्था सुचारू देखने की जिम्मेदारी कार्यपालन अभियंता राज्य विद्युत मंडल को दी गई है और चिकित्सा सुविधा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संभालेंगे। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है। वहाँ साफ सफाई, पंडालों की व्यवस्था, स्टॉल्स कैसे लगाए जाएंगे, रोड्स की मार्किंग और डस्टबिन वगैरह रखने की व्यवस्था की गई है। वेरिफिकेशन हेतु जो इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन के लिए ENDM को पत्र लिखा जाता है, व्यापक पुलिस बल हेतु कार्यपालिक दंडाधिकारी ड्यूटी होती है, माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र लिख दिया गया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा संस्कृति विभाग को पत्र सांस्कृतिक आयोजन हेतु लिखा गया है। नगर पालिक निगम से कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और इस वर्ष भी नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है मुहारा मेला का सफल आयोजन करने के लिए।